तीन टाइप ऑफ रोल्स होते हैं जो कि एक हेडमास्टर या एक मैनेजर बींग रोल ऑफ हेड हेडमास्टर इज अ मैनेजर ठीक है तो हेडमास्टर तीन टाइप के रोल जो है अकॉर्डिंग टू मेन्स वर्क वो प्ले करते हैं फर्स्ट इंटरपर्सनल रोल सेकंड डिसीजनल रोल एंड थर्ड रिसोर्स एलोकेटर रोल ठीक है role, 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 अच्छा उस्मान भाई आवाज मेरी क्लियर है तो हाँ सर आवाज आ रही है ओके जी थोड़ी सी धीमी है अच्छा चलो आ रही है सर पर धीमी है मेरे हाँ तो यहाँ पे स्लो आ रही है अच्छा जी मैं थोड़ा तो ट्राई वन मिनट ठीक है आवाज सही आ रही है अच्छा मैम कह रही है ठीक तो सर मैं कर लेता हूँ ठीक है आ तो रही है यहाँ पे भी पर स्लो आ रही है थोड़ी तो सी धीमी अच्छा जी अभी क्या पोजीशन है ठीक है मैं ज्वाइन करता हूँ ठीक है सर आप कंटिन्यू रख ओके जी ओके ओके अच्छा डिसीजन मेकिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिस तरह मैं इस कहता है कि थ्री टाइप ऑफ रोल है इंटरपर्सनल रोल डिसीजनल रोल एंड रिसोर्स एलोकेटर रोल एक हेड मास्टर के तो डिसीजन मेकिंग एट बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है क्योंकि अक्सर ज़िंदगी में ऐसे वाक़ आते हैं जहाँ पर हमें डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल होता है डिसीजन है क्या डिसीजन मेकिंग क्या है डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है और इसके मॉडल क्या है ये इनशाला आज के क्लास में हम कवर करेंगे ठीक तो है तो डिसीजन मेकिंग सिंपल चॉइसेस फ्रॉम टू और मोर फॉर मेकिंगजाम्पल्टर अवेलेबल है उसी अल्टर में से एक बेस्ट चॉइस को सेलेक्ट करना दिस इज डिसीजन मेकिंग टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग देर आर टू टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग देखो दो टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग है एक है प्रोग्राम डिसीजन एंड एक है नॉन प्रोग्राम डिसीजन प्रोग्राम डिसीजन वो डिसीजन होते हैं जो कि पहले से हमें पता होता है कि ये चीज़ हैपन हो रही है या वो यूनिक केसेस नहीं होते ठीक है तो हम डिसीजन एज अ रोटाइनली एज अ फॉर्मल तरीके से हम डिसीजन लेते हैं जिस तरह हम नॉर्मल uh, जिंदगी में डिसीजन लेते हैं डेली टू डेली इशूज़ पे ठीक है daily daily, uh, issues, uh, तो ये प्रोग्राम डिसीजन है डिसीजन इन अ फॉर्मल एंड रोटाइन सिचुएशन नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं डिसीजन इन यूनिक केसेज कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं जहां पर डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है तो वहां पर डिसीजन लेने के लिए कुछ मॉडल्स है जो कि आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फाइव बिग मॉडल्स हैं जो कि हम कवर करेंगे इंशाल्लाह आज प्रोसेस क्या है डिसीजन मेकिंग की फर्स्ट एक प्रॉब्लम होना चाहिए आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम जाहिर बात है प्रॉब्लम नहीं होगा तो हम डिसीजन कैसे लेंगे एक प्रॉब्लम होगा आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया डिसीजन क्राइटेरिया हमारा क्या होगा कौन कौन से क्राइटेरियाज है वो आगे हम इंशाल्लाह पढ़ रहे हैं एक क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट करना है कि कौन सा तरीका जो है वो बेस्ट होगा से थर्ड एलोकेटिंग वेट टू द क्राइटेरिया ये क्राइटेरिया बेस्ट है फॉर एग्जांपल दो तीन क्राइटेरिया सुटेबल है तो जो वेटेज पे ज्यादा है फॉर एग्जाम्पल ये देखो हमने एक मोबाइल खरीदना है ठीक है अभी डिसीजन के लिए अभी हमारे पास क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है या तो हम ऑनलाइन ले सकते हैं एमजोन पे ले सकते हैं या जाके किसी शावर में ले सकते हैं या किसी अच्छे से प्लाजे में जाके वहाँ पर हम ले सकते हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर हमने क्राइटीरिया सेलेक्ट करना है क्राइटेरिया अभी वेट किस तरह करेंगे वेट हम इस तरह करेंगे कि अभी हमने एक मोबाइल जो है उसको देखना है उसको वेटेज देना है उसकी स्क्रीन को देखना है उसकी रैम को देखना है उसकी जितनी भी मतलब आ, चार्जिंग कैपेसिटी कितनी है इन सारी चीजों को जब हम देखते हैं तो एलोकेटिंग वेट टू द क्राइटेरिया फिर हमने क्राइटेरिया को वेट दे दिया डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स जाहिर बात है हमने अल्टरनेटिव्स डेवलप किए अभी हमारे पास अल्टरनेटिव्स बहुत ज्यादा आ गए कि मैंने samsung लेना है या iphone लेना है आ, या जो है कोई और आ, जो है मैंने लेना है ठीक है फिर अल्टरनेटिव्स आ गए एनालाइजिंग अल्टरनेटिव अभी अल्टरनेटिव को हमने एनाल करना है कि कौन सा अल्टरनेटिव बेस्ट है सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव एक अल्टरनेटिव हमने सेलेक्ट किया डिसीजन हमने ले लिया इंप्लीमेंटिंग दल्टरनेटिव फिर उसको इंप्लीमेंट किया द डिसजन इपेक्टनेस और फिर इसकी जो इपेक्टनेस है वो हमने इवालुएट करनी है तो ये सैंपल से आठ स्टिप है अगर बीच में से कोई स्किप हो जाए इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है लेकिन बेसिक इसमें यही है कि प्रॉब्लम करना, उसके लिए अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव्स में से अल्टरनेटिव uh, को रैंक करना कि कौन सा अल्टरनेटिव जो है वो बेस्ट है और फिर एक अल्टरनेटिव को चूज करना दिस इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग ठीक है अच्छा रोटाइनली हम देखते हैं स्कूल के अंदर ऐसे मामला आ जाते हैं के लिए फिर दर्दी बन, बना हुआ होता है कि मैं डिसीजन किस तरह लूँ बहुत ही आसान काम है सारे जितना भी स्टाफ है उसको बिठाए अल्टरनेटिव डेवलप करें कोऑपरेटिवली एक जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो चूज़ करें बात खत्म हो गई सारे उस पर एग्री हो गए और जो प्रेशर ग्रुप ग्रुप होगा स्पेसिफिकली वहाँ पर डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है एक सर ऐसे 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 स्कूल होते हैं जहाँ पर प्रेशर ग्रुप बहुत ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पर डिसीजन लेना बहुत ही मुश्किल होता है तो ऐसे सिचुएशन में ये मॉडल में आप लोगों को समझा रहा हूँ और ये मॉडल जो है बहुत ही ज्यादा बेस्ट और बहुत काम के मॉडल है कि आप डिसीजन किस तरह ले सकते हो आम जिंदगी में भी आप लोग इसको, इसको इस्तेमाल करते हुए डिसीजन ले सकते हो ठीक है तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास है क्लासिकल मॉडल रेशनल मॉडल और सर्टिनिटी मॉडल ठीक है इसके तीन नाम है क्लासिकल मॉडल मीन जी इंटरव्यू में ये आप आव... टीचर ने और उनका आपस आप में किसी बात तो आप उसको किस तरह हैंडल करोगे तो ये सवाल पूछा भी है होता है जी 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 अगर दो टीचर्स है उनके आपस में क्लैश आ गया तो एंड पे आप उसको किस तरह वेरी गुड वेरी गुड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है देखो इसके तीन तरीके है ये क्वेश्चन बहुत ही वेलड क्वेश्चन है यह ठीक है मैं मैं आपको समझा समझाऊंगा कि किसी तरह आपने एक्शन लेना जी, है और जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन आपने किस तरह करनी है आपका मतलब यही है जी, जी. जी, जी, ये, जी, इसके तीन तरीके तीन तरीके में आपको समझाऊंगा इन लास्ट में जो क्वेश्चन है बिल्कुल ही आपको क्लियर हो जाएगा ठीक है अच्छा जी डिसीजन मेकिंग के मॉडल जो है वो फर्स्ट जो मॉडल है वह क्लासिकल मॉडल रेशनल मॉडल एंड सर्टेनिटी मॉडल ठीक है model, model model, तो क्लासिकल मॉडल मीन पुराना मॉडल क्लासिकल जहां भी आएगा इसका मतलब होगा पुराना ठीक है तो क्लासिकल मॉडल मॉडल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ रीजन यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है सर्टिनिटी मॉडल ये सर्टिनिटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखो फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर जो प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम के अराउंड हर एक चीज जितने भी इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए वो अवेलेबल है और उसको आप एक्सेस कर सकते हो तो दिस इज सर्टिनिटी मतलब सारे इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो आपके सामने है फॉर एग्जाम्पल एक झगड़ा हो गया वो आपके सामने है बिल्कुल सिचुएशन आपके सामने है आप जेड उससे बाखबर हो आपको पता है कि रीजन क्या है तो वहां पर डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ही ईजी है क्योंकि ये जो है ये क्लासिकल मॉडल है रेशनल मॉडल ऑन द बेसिस ऑफ रीजन आप वहां पर डिसीजन ले सकते हो

अभी एक लिस्ट में जो है वो रैंक करने हैं उसको लिस्ट करना है ठीक है रैंकिंग फिर उसकी रैंकिंग करनी है कि मेन वजह इसका क्या था देन सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट वन और उसमें से जो अप्रोप्रिएट वन है वो अपने सिलेक्ट करना है ठीक है फिर ग्रुप में किस तरह आपने डिसीजन लेना है ये भी आगे आ गया रहा है चीजें बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है इनशाला आप लोग जो है थोड़ा इसको अंडरस्टेंड करने की कोशिश करो सेकंड जो हमारे पास मॉडल है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल रेशनल बाउंडेड और अनसर्टिनिटी देखो फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी अनसर्टिनिटी है, है आपको पता नहीं है ठीक है तो फिर आपने वहां पर डिसीजन किस तरह लेना है पहले आपने सर्टिनिटी की तरफ पहुंचना है ठीक है जब आप सर्टिनिटी तक पहुंचोगे कोशिश करोगे तो फिर उसके बाद रेशनल बाउंड देखो रेशनल बाउंड का मतलब ये कि आपके जो रीजन है वो यहाँ पर बाउंड है आप अकेले डिसीजन नहीं ले सकते आपके साथ स्टाफ है जब स्टाफ आपके साथ अवेलेबल है तो सारे स्टाफ को आप इन्वॉल्व करके जितने भी आपके रीजन बनते हैं उसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपने लेना है ठीक है यहाँ देखो अनसर्टिनिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल में रेशनली बाउंडेड है क्योंकि जो आपके रेशनलिटी है जो आपके रेशनल है जो आपके रीजन है वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं आप अकेले नहीं ले सकते जो क्लासिकल मॉडल है उसमें आप ले सकते हो क्योंकि है सारी चीजें आपके सामने है आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ परली आप नहीं ले सकते क्योंकि रेशनली बाउंडेड है रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन क्यों है क्योंकि आपके पास सारे इंफॉर्मेशन है ही नहीं हो सकता है आपके जहन में जो सोल्यूशन हो है वो गलत है या हो सकता है किसी जगह पे आपका जो शक है किसी पे हो सकता है वो गलत हो तो यहां पर फिर डिसीजन लेना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है तो रेस्ट्रिक्शन भी है यहां पर सेटिसफेक्ट्री सोल्यूशन ये देखो यहां पर जो सोलूशन होगा ये लास्ट वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपने सेटिस्पेक्शन की तरफ जाना है ऐसे सेटिस्फेक्शन की तरफ फॉर एग्जाम्पल आपके साथ जो स्टाफ है फॉर एग्जाम्पल स्टाफ है एक आप हो हेड हो ठीक है तो जो स्टाफ और आप सारे जिस स्पेसिफिक ऑप्शन पे स्पेसिफिक डिसीजन पे अगर सेटिस्फाई हो तो आप डिसीजन ले लो क्योंकि सारे आप सेटिसफाई हो क्योंकि करेक्ट तो आप नहीं ले सकते क्योंकि करेक्ट लेना यहाँ पर अनसर्टिनिटी है सर्टिनिटी है ही नहीं अगर होती फिर तो बात खत्म हो गई आप उंगली रेस करो किसी एक के ऊपर कि ये बात बात है है तो फिर खत्म हो गई ठीक दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल पहले हमने क्लासिकल मॉडल पढ़ा जो जहाँ पर सर्टिनिटी थी यहाँ पर फिर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल पढ़ा जब जहां पर अनसर्टिनिटी है ठीक है अच्छा त्रड जो मॉडल है वो है हर्बर्ट साइमन मॉडल ठीक है हरबट साइमन जो है इन्होंने जस्ट थ्री दिए हैं पहले इंटेलिजेंस है सेम ही चीजें हैं लेकिन उन्होंने उनको कुछ कैटेगराइजेशन इसकी की है ठीक है टिक्सोनोमी डेवेलप की है इंटेलिजेंस है सेकंड डिजाइन है और थर्ड चॉइस है इंटेलिजेंस में क्या करना है हमने सॉरी <coughs> uh, जो इंफॉर्मेशन है सर्टिनिटी की तरफ हमने पहुंचना है सर्टिनिटी मीन के जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको हमने अचीव करना है फर्स्ट जब हम इंटेलिजेंस के जरिए अपने इंफॉर्मेशन अचीव कर ले फिर हमने डिजाइन करना है डिजाइन मीन क्राइटेरिया एंड अल्टरनेटिव फोर्सेस आर डेवलप्ड एंड इवॉलुएट जो अल्टरनेटिव फोर्सेस अवेलेबल है सारे उसको यहाँ पर और क्राइटेरिया जो होगा हमारा उसको हमने करना है फिर चॉइस चॉइस हमारा क्या है बेस्ट ऑप्शन ए सिलेक्टेड लास्ट में अपने एक चॉइस जो है वो सेलेक्ट करना है ठीक है तीन हर्बर्ट हर्बर्ट साइमन मॉडल के थ्री स्टेजेस है इंटेलिजेंस डिजाइन एंड चॉइस ठीक है तो ये तीनों जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अच्छा फर्स्ट हमने पढ़ा क्लासिकल मॉडल जहाँ पर सर्टिनिटी थी एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल जहां परिटी थी थर्ड मॉडल हर्बर्ट साइमन जिसके तीन स्टेजेस है इंटेलिजेंस डिजाइन चॉइस इंटेलिजेंस में हम इंफॉर्मेशन जो है अवेलेबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं डिजाइन में हम एक क्राइटेरिया और अल्टरनेटिव जो है उसको डेवलप करते हैं फिर चॉइस में हम क्या करते हैं एक बेस्ट और सुटेबल अल्टरनेटिव को हम क्या करते हैं सेलेक्ट करते हैं ठीक है थीके? तो ये तो हो गए ओवरऑल जनरल से मॉडल अभी एक ग्रुप में अगर हमने एक डिसीजन लेना है तो स्पेसिफिकली उसके दो तीन तरीके हैं ठीक है थीके? ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स जो है उसमें फर्स्ट जो टेक्निक है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक ठीक है ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है ये इंटरव्यू में पूछा गया है देखो ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक इशू होगी याद रखिएगा इशू सेम होगी एक ही इशू होगी बिल्कुल ही क्लियर होगी क्लियर ना हो तो फिर ब्रेन नहीं हो सकती में एक इशू होगी बिल्कुल ही क्लियर बहुत से बंदे होंगे ग्रुप ऑफ पीपल होंगे क्योंकि ग्रुप नहीं होंगे तो फिर ये तो तिक 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 जो है ये ग्रुप डिसीजन के लिए यूज होता है ठीक है एक इशू बहुत से लोग बहुत से आइडियाज उनके जहनों से निकलेंगे आपने आइडियाज को लिखना है बोर्ड पे या अपने साथ जो है नोट डाउन करना है बहुत से आइडियाज आ गए जब बहुत ज्यादा आइडियाज आ गए आपने लोगों को इनकरेज करना है ठीक है वहां पर कि जो आइडियाज है वो फुली आपके साथ पहुंचे सेकंड आपने क्रिटिसिज्म नहीं करनी क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग टिकनिक की एक ये क्वालिटी है कि यहाँ पर क्रिटिसिज्म नहीं होता और न पन बनाना है ठीक है किसी पे आपने जो है तंज और मजा नहीं करना कि आप ये क्या बोल रहे हो यार अगर इस तरह हमने ले लिया तो सिस्टम खराब हो जाएगा नहीं हर एक की जितनी भी आइडियाज है सबके एक वैल्यू होती है सबको आपने नोट डाउन करना है और नोट डाउन करके एक बेस्ट जो होगा उसको आपने चूज करना है दिस इज टेक्निक टेक्निक बहुत ही है अगर फॉर एग्जाम्पल खुदा न खासा क्लास में या स्कूल में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम क्या करेंगे सिंपल एक क्लास रूम में जाएंगे वहां पर बैठेंगे और जितने भी पॉसिबल अल्टरिटिव है सारे वन बाई वन अपना इनपुट देंगे सारे इनपुट हम एक व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे और इसमें से जो हम मोस्ट जिस स्पेसिफिक ऑप्शन पे एग्री हो तो उसको उठा के हम क्या करेंगे वही डिसीजन ले लेंगे ठीक है तो दिस इज टेक्निक ब्रेनिकाय थिंकिंग सो मेनी आइडियाज ये देखो बहुत से आइडियाज होंगे एज पॉसिबल इन अ शॉर्ट टाइम शॉर्ट टाइम होगा देयर विल बी मेनी पीपल लोग ज्यादा होंगे एंड द स्टेटमेंट शेल बी क्लियर ये देखो स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए कि हर एक उस पर अपना व्यू दे

ठीक है, एंड आइडियाज फिर उसी आइडियाज़ पे जो लीडर होंगे वो डिस्कशन करेंगे, ideas, फिर उसकी होती है, तो दिस इज नॉमिनल मेकिंग मॉडल ठीक है अच्छा डिल्पी ग्रुप डिसीजन तकनीक ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है डिली ग्रुप डिसीजन तकनीक में इस तरह होता है कि एक्सपर्ट जो होते export, उसी एक्सपर्ट को क्वेश्चन भेजा जाता है या उसकी इंटरव्यू की जाती है ठीक है वही एक्सपर्ट उस पर अपना व्यू देते हैं या वो जो क्वेश्चन होते हैं उसको होते है, उसको फिल करके अगेन रिटर्न करते हैं स्पेसिफिकली उस बंदे को जिसने डिसीजन लेना है तो जब वो क्वेश्चनियर आता है तो उसी क्वेश्चन को एनालाइज करके उस पर फिर क्या किया जाता है उस पर डिसीजन लिया जाता है और डिल्पी तकनीक वहां पर यूज होता है कि जहां पर डाइवर्सिटी हो मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने डिसीजन लेना है किसी किसी कंट्री ने डिसीजन लेना है एजुकेशन सिस्टम पे तो वो मलेशिया मलेशियन एजुकेशन सिस्टम पे एक क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर है एक अमेरिकन को ऑक्सफर्ड को एक इसी तरह के चाइना को तो अपने अपने व्यूज दे के अगेन वो रिस्टर करता है उसी कंट्री को तो अभी वो वहां पर जो डिसीजन लेता है तो वही डिसीजन उसी बै, उसको बेस बना के उसके जो अटर्निटीज होते हैं वो फुली सर्टिनिटी तक पहुंच पहुंच के

या स्कूल के अंदर कोई झगड़ा होता है ठीक है तो आपने किस तरह उसको हैंडल करना है इसके तीन तरीके हैं। फर्स्ट जो तरीका है वो है मीडिएशन। मीडिएशन का मतलब है कि आपने सुलह करना है ठीक है बिल्कुल ही आपने सुला करना है वेन वेन सिचुएशन इसको कहते हैं वेन वेन सिचुएशन दोनों जीत जाएंगे ठीक है सेकंड जो सिचुएशन है वो है रिकनसिलियेशन रपा दपा करना बस बात खत्म एक बंदे को मतलब पोलराइजेशन भी अब इसको कहते हैं एक बंदे को एक साइड पे और दूसरे को दूसरे साइड पे बात खत्म कर लो दिस इज रिकनसिडन लेकिन अगर इंटेंसिटी ज्यादा है उसी कॉन्फ्लिक्ट की तो फिर आपने लास्ट क्या करना है लिटिगेशन की तरफ जाना है और लिटिगेशन जो है वो है एक लीगल एक्शन लेना ठीक है बात आपने डी ओ ऑफिस तक पहुंचानी है ठीक है या आपने पुलिस को बुलाना है ठीक है तो ये तीन तरीके हैं फर्स्ट है हमारे पास अगर कोई नोट डाउन करना चाहता है चाहती है तो फर्स्ट जो हमारे पास है वो है मीडिएशन सेकंड रिकन्सिलिएशन और थर्ड जो है वो है लिटिगेशन ठीक है समझ लग गई कोई कंफ्यूजन कोई क्वेश्चन जी आवाज़ में रिपोर्ट रही है उस्मान भाई सर ठीक है थैंक यू सर ओके जी ओके यू वेलकम अच्छा इसमें एक लोकल एक, एक, एक करते हैं एक टिक सर एक हम एक इम्प्रोवाइज करते हैं ऑन लोकल लेवल वो ये कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी मस्ट इग्नोर सम बट वो अगर स्केल uh, पे उनको ये भी एक टेक्निक है सर अच्छा इम्प्रोवाइज uh, है uh, हम खुद से करते बट उसको हम इग्नोर भी करते हैं समटाइम्स जस्ट बिकॉज अगर आप इग्नोर ना करो तो पार्टी भी होती हैं तो वो uh,

कप चाय भी पिला सकते हो अगर इंटेंसिटी इतनी नहीं है वो भी एक, एक 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 अच्छा तरीका है लेकिन आ ये जो आप बात कर रहे हो मेरे ख्याल में ये बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है जो कि क्लासरूम के अंदर फॉर एग्जांपल एक आ, नहीं सर हाँ, जी 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 मेरा कहने का मतलब ये है में आपके पास टीचिंग स्टाफ है नाम जी टीचिंग जी जी। या नॉन ऑफिस में आप काम कर रहे हैं तो किसी भी तरह अगर स्टाफ के दरम्यान अगर कोई इशू है दो स्टाफ मेंबर्स है, उनका आपस का कोई इशू है और वो पर्सनल नेचर का है या ट्रिवियल नेचर का है तो उसको समटाइम्स इग्नोर करने से वो इशू ज्यादा ठीक से हल होता है जी आपके माइंड में होगा वो एट uh, सम्व करेंगे लेकिन uh, आप इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश करें करेंगे उसको मोल्ड करने की आप कोशिश अगर डायरेक्टली आप इंटरफेयर करते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि मेरी किसी स्मॉल से छोटे से एक्ट से भी मतलब एनवायरनमेंट ख़राब हो सकता है तो फिर मुख्तलिफ माइंडसेट के लोग होते हैं पार्टीज होती हैं सबॉर्डिनेट्स तो वर्क शाये लोग होते हैं तो वो दोबारा से टाइम से डगे क्रिएट करेंगे इसीलिए डाइवर्ट हो वेरी गुड वेरी गुड उस्मान भाई उस्मान भाई मेरे ख्याल में वो स्कूल बहुत ही एक लकी स्कूल होगा जिसमें आप जो है जाओगे और वहाँ पर चार्ज लोगे क्योंकि आप आप तो ऑफिशियली हेड मास्टर हो लेकिन आपने जॉइन नहीं किया आपके साथ टिक, टिक ज्यादा है तरीके ज्यादा है वर्ल्ड इन शाह और आपके ये जो टिक टिक इससे लोगों को फायदा पहुंचेगा इनशाला हाँ अच्छा ये टू इयर्स करता रहा तो वजह से एक्सपीरियंसेस

टेक्निक है आ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसकी रिजोल्यूशन हाँ सर ठीक है क्लास रूम है ना यहाँ टीचिंग उसके तो तो ये जी जी होता जी, है ना जी 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 वेरी गुड वेरी गुड अच्छा जी, जी। में, आ, आ, अच्छा जी थोड़ा मैं फिर अच्छा जी टाइप्स ऑफ लर्निंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें से मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसी एक स्लाइड से पूछे गए हैं किसी से पूछा गया है कि व्हाट इज ब्लेंडेड लर्निंग तो किसी से पूछा गया है कि व्हाट इज कॉन्सेप्ट लर्निंग तो किसी से पूछा गया है कि व्हाट इज री एनफोर्समेंट लर्निंग तो किसी से पूछा गया है कि व्हाट इज कॉग्निटिव मेमोराइजेशन ठीक है तो अच्छा किसी से पूछा गया व्हाट इज कंड्यूसिव लर्निंग तो ये सारे जितने भी आ, यहाँ पर मैंने आ, एक एक बिल्कुल ही सिंपल बिल्कुल ही क्रक्स वर्ड में मैंने आप लोग को के लिए यहाँ पर ये यह ढूंढे हैं और यहाँ पर वो जो है मैंने एक्सप्लेन किए हैं ठीक है थीके? तो इसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छा एक्टिव लर्निंग देखो आप आप लोगों ने स्टूडेंट को जहन में रखना है ठीक है टीचर को नहीं एक्टिव लर्निंग वो होगा जिसमें स्टूडेंट क्या होंगे एक्टिव होंगे और कंस्ट्रक्ट करेंगे अपने नॉलेज को खुद ठीक है स्टूडेंट एक्टिव है टीचर पेशियो है दिस इज एक्टिव लर्निंग पेशियो लर्निंग में स्टूडेंट पेशियो होंगे टीचर एक्टिव होगा जिस तरह लेक्चर मेथड होता है एक्टिव लर्निंग का मिसाल एक्टिविटी लर्निंग भी हो सकती है या एक्टिविटी मेथड भी हो सकता है या प्रोजेक्ट uh, मेथड भी हो सकता है या याबरेटिव लर्निंग भी हो सकती है या कोऑपरेटिव लर्निंग डिस्कशन मेथड ये सारे एक्टिव लर्निंग है पेशियो लर्निंग में हमारे पास स्टूडेंट और पासियो टीचर एक्टिव है तो ये जो हमारे पास लेक्चर मेथड है तो पेशियो लर्निंग में ज्यादातर वो आता है ठीक है मोटर लर्निंग लर्निंग बाय मोमेंट लर्निंग थ्रू मोवमेंट थ्रू वॉकिंग थ्रू थ्रू गोइंग थ्रू थ्रू स्केटिंग ठीक है तो इसी तरह हम क्या करते हैं मोटर लर्निंग इसको कहते हैं ठीक है ओवरबल लर्निंग थ्रू योर वर्ड्स थ्रू 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 योर लैंग्वेज ठीक है लैंग्वेज के जरिए जो हम सीखते हैं उसको हम ओवरबल लर्निंग कहते हैं अच्छा कॉन्सेप्ट लर्निंग पूछा गया है तो कॉन्सेप्ट लर्निंग अगर हम देखें तो कॉन्सेप्ट क्या होता है कॉन्सेप्ट एज द कलेक्शन ऑफ आइडियाज बहुत से आइडियाज मिलकर एक कॉन्सेप्ट बनाता है ठीक है तो अभी कॉन्सेप्ट लर्निंग जो है वो हो लर्निंग है द टाइप ऑफ लर्निंग व्हिच इन्वॉल्व हाई आर्डर थिंकिंग स्किल्स हॉट्स जिसको है, कहते हैं ठीक है हाई आर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या है हमारे पास लास्ट थ्री डोमेन्स ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी कॉग्निटिव लेवल के जो लास्ट थ्री सॉरी कॉग्नेटिव डोमेन के लास्ट जो थ्री लेवल है Uh, हमारे पास एनालिसिस है सिंथेसिस है एंड इवॉलुएशन और एप्लीकेशन भी इसमें आता है ठीक है तो ये कॉन्सेप्ट लर्निंग से रिलेटेड है ठीक है जो 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 थिंकिंग से 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 हो जो से हो जो से हो रीजनिंग इंटेलिजेंस तो ये हमारे पास है कॉन्सेप्ट लर्निंग लेकिन स्पेसिफिकली कॉन्सेप्ट लर्निंग का अगर पूछा जाए तो टाइप ऑफ लर्निंग इन द हाई आर्डर थिंकिंग स्किल्स ठीक है और हाई आर्डर थिंकिंग स्किल्स क्या है फिर कुछ बुक्स में लिखा है कि लास्ट थ्री है जो के ब्लूम टेक्सोनमी कग्नेटिव डोमेन के लास्ट थ्री लेवल्स है कुछ कहते कि वो है कुछ कहते कि नहीं लास्ट फोर जो है वो है ठीक है मेरे ख्याल में लास्ट फोर इसलिए है कि एप्लीकेशन तक बंदा जब पहुंच जाता है तो उसका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होता है ठीक है क्योंकि जाहिर बात है एक बंदा तभी अप्लाई कर सकता है जब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही फुली क्लियर हो ठीक है तो एक कॉन्सेप्ट लर्निंग है सीरियल लर्निंग लर्निंग विद लर्निंग मेटीरियल जब आपके पास लर्निंग मटेरियल अवेलेबल है सीरियल लर्निंग पियर एसोसिएटेड लर्निंग एसोसिएशन एज मेड जिस तरह हम बनाते हैं वो एसोसिएशन एसोसिएशन मीन ताल्लुक जिस तरह हम प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों का एक एसोसिएशन बना के हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते है, हैं पियर एसोसिएटेड लर्निंग पॉजिटिव लर्निंग

लर्निंग uh, लर्निंग में इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड भी आएगा दो या दो से ज्यादा मेथड को जब हम कंबाइंड यूज करके लर्न करते हैं ठीक है इंस्ट्रक्शनल लर्निंग उसको कहते हैं जहां पर एक इंस्ट्रक्टर होगा वो कोशिश करेगा कि वो आपको गाइड करे और आप लर्न करो एक्सपीरियंशियल लर्निंग लर्निंग व्हिच इज डूइंग To basic wants. जो आपके basic wants है, उसको सेटिस करने के लिए जो आप जिस तरह अभी हमारे फॉर एग्जाम्पल मैं एक बनना चाहता हूँ आप लोग हेडमासिप्टी डी ओ या किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करके कोई आपके कुई जो गोल्स है उसको अचीव करने के लिए जो आप ये लर्निंग हम कर रहे थे एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्योंकि हम अपने जो बेसिक वांट्स है उसको सेटिसफाई कर रहे हैं ठीक है

एग्जाम्पल लेके उसको हम स्टार्ट करते हैं तो एक और वर्ड अभी मेरे जहन से निकल गया एक एक्सपोजिशन है और दूसरा इलस्ट्रेशन जी इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन मीन के जब आप जो प्रीवियस चीज़ें हैं उसको बेस बना के आप नए नॉलेज को स्टार्ट करते हो नई 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 चीज़ों को जो है वो लर्न करना स्टार्ट करते हो इलिस्ट्रेशन टाइप ट्रांसफर लर्निंग जो है uh, इट्स अ टाइप ऑफ एलिस्ट्रेशन लर्निंग उसी उसी तरह है ठीक है वर्टिकल लर्निंग ये देखो वर्टिकल का मतलब है नीचे से फॉर्मेशन या फ्रॉम बॉटम टू टॉप जब लर्निंग आ रही हो तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप मीन कि ये कहाँ कहाँ से आएगा ये आएगा लर्निंग इन हाईली स्ट्रक्चर सिटिंग फॉर्मल सिटिंग ठीक है तो ये हाईली स्ट्रक्चर मीन कि यहाँ पर या तो टॉप टू बॉटम होगा या बॉटम टू टॉप फॉर एग्जाम्पल हमारे पास टीचर है तो टीचर से इंफॉर्मेशन जाएंगे स्टूडेंट की तरफ या स्टूडेंट से इंफॉर्मेशन आएंगे टीचर की तरफ

ठीक है उसको मसाइल हो तो न्यूरोलॉजिकली या जो मोबिलिटी एम्पेयर पीपल है उसके लिए दे लर्न थ्रू नॉर्मल लाइफ एक्सपीरियंस ठीक है ब्लेंडेड लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लेंडेड लर्निंग मीन के जब ऑनलाइन प्लस फिजिकल दोनों एनवायरनमेंट को इन्वॉल्व करके जब हम लर्निंग करते हैं दिस इज ब्लेंडेड लर्निंग ठीक है जिस तरह अभी ये जो इंडक्शन लर्निंग हो रही है इंडक्शन ट्रेनिंग्स हो रहे हैं हमारे टीचर्स के तो ये जो इंडक्शन ट्रेनिंग्स है स्पेसिफिकली इसमें ब्लेंडेड लर्निंग का जो एक मॉडल है वही यूज होता है ठीक है तो ब्लेंडेड लर्निंग मीन एंड बोथ ठीक है साथ साथ में क्लासेस भी होती है और उसके साथ ऑनलाइन आपको एक जो है टेबलेट दिया जाता है उसमें चीज़ें होती है और जो उसके टेस्ट वगैरह होते हैं वो बाहर से कंट्रोल किए जाते हैं एम्टाबाद से या पेशावर से ठीक है वहां पर इसका कंट्रोल होता है तो दिस ब्लेंडेड लर्निंग ठीक है फिजिकल प्लस ऑनलाइन ठीक है एक टाइम एक में अच्छा जी फ्लिप्ड लर्निंग फ्लिप्ड लर्निंग का मतलब यही है कि स्टूडेंट क्या करेंगे घर में पढ़ेंगे घर में जो है रीडिंग कंप्लीट करेंगे और उनको जो मसाइल होंगे वो आके स्कूल में उसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट कंप्लीट रीडिंग एट देयर होम एंड कम टू स्कूल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग

कभी कभी हम दूसरे को अन करते हैं तो ये जो कभी अनलाइन को कभी फिजिकल को दोनों में एक स्केजूअल बनाते हैं कि उसी स्केजल के तहत हमने उसकी रोटेशन करनी होती है तो दस इंडिविजुअल रोटेशनल लर्निंग कंटेम्प्रेरी लर्निंग होती है जो कि रिसेंट कॉन्टेम्प्रेरी कहते हैं हम वक्त जो कि चल रही है रीसेंट चीजें उसको मीट करें विच कोप द करंट चैलेंजेस लर्निंग विच मीट द करंट चैलेंजेस ठीक है जो के करंट चैलेंजेस को कोप करें और मीट करें। इंक्लूसिव लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव लर्निंग एस डी 2015 इसका एक एलिमेंट uh, भी है इंक्लूसिव लर्निंग का मतलब यही है कि एक क्लास के अंदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर ऑन द बेसिस ऑफ रेस ऑन द बेसिस ऑफ क्रीड वन क्लास वन टीचर वन बुक एंड वन स्कूल ठीक है एक स्कूल के अंदर एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर सारे स्टूडेंट और एक ही किताब जब पढ़ते हैं दिस इज इंक्लूसिव एजुकेशन ठीक है स्किल्स दोनों को पढ़ना टाइम दिस लर्निंग एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग लर्निंग बाई डूइंग स्पेसिफिकली जो कॉन्सेप्ट है जान डीवी का दिया हुआ है पूछा गया है कि वॉट इज

और फिर हम किस तरह एक एनवायरनमेंट बनाएंगे इसमें इनशाला आगे मैं आप लोग को एक लेक्चर दूंगा इंस्ट्रक्शन क्या होता है क्लासरूम के अंदर दिस इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसिड भी हम इसको कहते हैं एक्सपोजेटरी भी कहते हैं और ऑटोक्रेटिक भी कहते हैं क्योंकि इट इज स्ट्रक्चर एंड टीचर इज एक्ट लाइक लेक्चर ठीक है ये टीचर जो देता है इन्फॉर्मेशन जिस तरह लेक्चर मेथड हो में डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन इन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन जो है ये है एम्प्लेसिड गैर वाजी एक्सप्रेसिड वाजी एम्पलेट गैर वाजी एंड कंस्ट्रक्टिविस्ट जो कि स्टूडेंट खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर एक्टिव होंगे एक स्टूडेंट सेंटर स्टूडेंट स्टूडेंट एक्टिव आर एक्टिव एंड कंस्ट्रक्ट देयर नॉलेज ठीक है तो ये हो गए हमारे पास इंस्ट्रक्शन ठीक है अच्छा जी टाइम तो में थोड़ा देखता हूँ टाइम कितना है ये थोड़ा सा हम पढ़ सकते हैं ठीक है अच्छा फिर है इफेक्टिव टीचिंग कि देखो इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है जब हम बहुत से फैक्टर को इन्वॉल्व करके इफेक्टिव लर्निंग हासिल कर ले दिस इज इफेक्टिव टीचिंग जब हम बहुत से फैक्टर को अरेंज ऑफ फैक्टर को कलेक्टिवली इन्वॉल्व करके एक इफेक्टिव लर्निंग हासिल कर ले दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव टीचिंग द कंसेप्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग इज कंसीडर एज अ रेंज ऑफ फैक्टर्स दैट कलेक्टिवली वर्क जब बहुत से फैक्टर कलेक्टिवली काम करते हैं एंड रिजल्ट इन इफेक्टिव लर्निंग और फिर वो इफेक्टिव लर्निंग को कॉज करते हैं दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव टीचिंग अच्छा इसके कुछ प्रिंसिपल है चार प्रिंसिपल है जो के दिए हैं रिचर्ड टीवाल्स ने ओसीसी ओसीईई इसका निमोनिक है ठीक है तो इसके प्रिंसिपल जो है वो चार है आउटकम क्लियरिटी इंगेजमेंट एंड एंथम आउटकम मीन लेट स्टूडेंट नो वेयर दे आर गोइंग एंड व्हाई स्टूडेंट का एक गोल होना चाहिए वो कहा जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं एक गोल होना चाहिए जब गोल ना हो फिर स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते ठीक है ड्राइव हार्ड थॉर्ट क्लियर गोल्स मतलब क्लियर गोल होने चाहिए फिर क्लियरिटी होनी चाहिए मेक द कॉन्टेक्ट एज क्लियर एज सिंपल एज पॉसिबल बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए बेल्ट ऑन वॉट स्टूडेंट ऑलरेडी नो स्टूडेंट जो जानते हैं जिस तरह मैंने आप लोगों को का कहा, तो भी यहाँ पर है कि वहां से आपने स्टार्ट करना है क्लियरिटी एंगेजमेंट आपने स्टूडेंट को बिल्कुल करना है इंडल्ज करना है डोंट लेक्चर फॉर मोर देन थर्टी मिनट्स बिफोर रनिंग एन एक्टिविटी स्टूडेंट ठीक है अभी आपने तीस मिनट से ज्यादा लेक्चर नहीं देना क्लासरूम के अंदर फिर बोर्डम आ जाती है पीपल रन वट दे डू सो है ठीक है अच्छा एंड होना चाहिए इफ यू हैड टू टीच एट